हे व्हाट्सअप मेरे वायर फैमिली, स्वागत है आपका फिर से द नैश प्लैश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTT फंक्शन के बारे में। आखिर ये GTT फंक्शन होता क्या है और बाइक में किस तरीके से काम आता है। देखो मेरे पास बजाज एवेंजर है, मैंने अपने बजाज एवेंजर में इस फंक्शन का यूज़ किया तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिला। मतलब मक्खन जैसा फील होता है चलाने के टाइम पर जब हम ट्रैफिक में होते हो तो। अब अगर आपके पास अपाची भी है तो ये अपाची में भी बहुत बढ़िया काम करता है। अपाची 160 अगर आपके पास है तो ये अपाची में भी दिया गया है, इस फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आखिर ये GTT होता क्या है? GTT का मतलब होता है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक, ट्रैफिक के बीच में से तैरना। मतलब ट्रैफिक में हमें काफ़ी बार जो है क्लच को दाबना पड़ता है, क्लच बार बार क्लच का यूज़ करना पड़ता है, बार बार गियर को शिफ्ट करना पड़ता है, बार बार एक्सीलेटर देना पड़ता है, तो इस झंझट से आपको जो है मुक्ति मिल सकता है। अगर आपके पास बजाज एवेंजर 160 हो, 220 हो या फिर अपाची 160 हो तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें क्या करना होता है कि जब आप ट्रैफिक में फंसे हुए तो आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। जब आप सेकेंड नंबर गियर पे हो तो धीरे धीरे आपको छोड़ना है और ये बाइक ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते रहेगा। बिना एक्सलेटर यूज़ किए बाइक आगे बढ़ते रहेगा। इस सिस्टम के थ्रू से जो है एक मिनिमम एक स्टेडी स्पीड आपको जो है मिलेगा 6-10 का स्पीड, मतलब 6-10 स्पीड के बीच में एक स्पीड जो है आपको ये मेंटेन करके देगा। और इस सिस्टम के सहारे आप आराम से ट्रैफिक में भी जो है आराम से जो है बाइक को निकाल सकते हो। कोई ज़्यादा हेजिटेट नहीं होगा, एक्सीलेटर देने का कोई झंझट नहीं है, गियर शिफ्ट बार बार करने का कोई झंझट नहीं है। सिर्फ आपको सेकंड नंबर गियर पे, मैंने ज़्यादातर सेकंड नंबर गियर पे इसका इस्तेमाल किया, सेकंड नंबर गियर पे जो है आप इसको शिफ्ट करें बाइक को और धीरे धीरे क्लच लीवर को छोड़ना है आपको, रिलीज करना है। और जैसे ही क्लच एंगेजिंग पॉइंट तक जाएगा तो बाइक अपने आप आगे बढ़ते रहेगा, 6-10 की स्पीड में ये चलता रहेगा। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस जो GTD सिस्टम है ये आपको हर जगह यूज़ नहीं करना है, ये आपको सिर्फ ट्रैफिक में यूज़ करना है, जहाँ पर बार बार आपको रुकना है, बार बार गियर शिफ्ट करने का प्रॉब्लम होता है, एक्सीलेटर देने का प्रॉब्लम होता है, क्लच दबाने का प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप कभी भी जैसे कि मोबाइल में बात करते 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 अगर आप इस सिस्टम का यूज़ करेंगे तो इंजन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि तब इंजन काफ़ी ओवरहीट हो जाएगा और सेम स्पीड पे चलते रहने का प्रेशर भी काफ़ी होगा। लोअर गियर पर जब बाइक ज़्यादातर तक चलता रहता है एक गियर पर ज़्यादा देता है और लोअर गियर पर बाइक को बार बार चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, खास करके इंजन को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो GTT सिस्टम है ये ट्रैफिक में यूज़ करने के लिए है, तो ट्रैफिक में इसका यूज़ करें। नए राइडर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि उनको बार बार मुश्किल आते हैं क्लच और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन मिलाने में, तो यहाँ पर उनको एक राहत तो मिलेगा। और न्यू राइडर्स के लिए तो भाई मतलब थोड़ा आराम का मामला हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सिर्फ ट्रैफिक में ही इसका अच्छे से इस्तेमाल करना, बाकी जगहों पर थोड़ा सा अवॉइड करना। इतना ज़्यादा आराम का जो है आपको ज़रूरत तो है नहीं, हर जगह पर ट्रैफिक में इसका इस्तेमाल करना, और ये ट्रैफिक में इस्तेमाल करने के लिए ये फंक्शन दिया गया है, तो तभी इसका इस्तेमाल करें। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन देने में अगर मैं सफल हुआ तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो इस तरह की वीडियोज़ हिंदी में देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, द नैश प्लैश यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग द नैश प्लैश यूट्यूब चैनल।